मेरा नाम है गीता सचौरी और मेरे चैनल गीता मैजिक में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं स्ट्रीट स्टाइल पाव भाजी, तो आइए देख लेते हैं फटाफट पाव भाजी बनाने की रेसिपी। पहले पैन में एक चम्मच बटर डाल दें, 4 to 5 स्पून ऑयल ऐड कर दें और उसे गर्म होने दें। आप चाहें तो यहाँ पे खाली बटर या खाली ऑयल भी यूज कर सकते हैं। जीरा डाल दें 1/2 चम्मच, इसे चटकने दें अच्छे से। 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दें। थ्री फाइनली चॉप ग्रीन चिली डाल दें और फिर से इसको अच्छे से मिला दें और इसे अच्छे से चटकने दें ताकि इनका रॉनेस निकल जाए। अब हम यहाँ पे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, इसे अच्छे से मिला दें। मसालों को अच्छे से मिक्स करना है हमें। 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून पाव भाजी मसाला और इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर दें। अब हम यहाँ पे 2 ऑनियन ऐड करेंगे, उन्हें घुमा दें, थोड़ा सा पानी ऐड करना है हमें। मिक्स कर दें अच्छे से। अब हमें इसमें 2 से 5 मिनट पकने के लिए छोड़ देना है। 2 से 5 मिनट हो चुके हैं, अब हमें इसे फिर से अच्छे से घुमा देना है। अब हम ऐड करेंगे टमेटो, जो कि मैंने 4 टमेटो लिए हैं चॉप, और इसे अच्छे से घुमा दें। 1/2 कप मटर, 1 फाइनली चॉप्ड कैप्सिकम, घुमा दें इसे अच्छे से। अब इस स्टेज पे हमें सॉल्ट ऐड करना है। मैंने 2 टीस्पून सॉल्ट लिया है, आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। घुमा दें इसे अच्छे से, फिर से अच्छे से मिक्स करना है हमें इसको। और थोड़ा पानी ऐड कर देंगे और अब हम इसको 7 से 10 मिनट तक ढककर छोड़ देंगे। 7 से 10 मिनट हो चुके हैं, हमारी सब्जियां सेमी कुक हो चुकी हैं। अब इसमें थोड़ा धनिया पत्ता ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमें फिर से ढककर 2 से 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। 5 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसको घुमा देंगे अच्छे से। अब हम इसमें मैश पोटैटो ऐड करेंगे। मैंने ये 4 बिग बॉइल्ड पोटैटो लिए हैं जिनको अच्छे से मैश कर लिया है। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसे अच्छे से मिक्स करना है। अब हम इसमें 1 कप पानी ऐड करेंगे, जो कि लगभग 200 ml है। घुमा दें इसे अच्छे से और अब इसे बीटर से बीट कर देंगे ताकि जो हमने पानी डाला था इसमें वो अच्छे से मिलजुल जाए। फिर से 1/2 कप हम पानी डाल देंगे इसमें। अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
अब इसमें हाफ लेमन स्क्वीज कर देंगे। मिला लें अच्छे से। अब इसे ढक देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे चेक कर लेते हैं। बहुत ही अच्छे से पक चुकी है और बहुत ही सुंदर कलर भी आया है। तो आइए अब हम बन सेक लेते हैं। बन के लिए पहले एक पैन ले लीजिए, उसमें बटर डाल दीजिए हाफ टीस्पून, उसे गर्म होने दीजिए। थोड़ा सा जीरा डाल दें, थोड़ी सी रेड चिली जाएगी इसमें, मिला दें इसे। थोड़ा धनिया पत्ता और बन को बीच में से कट करके उसके ऊपर रख देना है हमको, और अच्छे से दबाकर उसको सेकना है। अब दूसरी साइड पलट देना है बन को। बन रोस्ट हो चुके हैं और ये हमारी पाव भाजी सर्व के लिए रेडी हो चुकी है।